असलकम स्टूडेंट्स आज के लेक्चर में हम मसल्स के बारे में पढ़ेंगे मसल्स नेचर में प्रोटीन्स होते हैं दे आर प्रोटीनिशियस मसल्स में जो मेजर प्रोटीन्स होते हैं उनमें से एक्टेन माओसिन ट्रोपोमाइसिन और ट्रोपोनिन प्रोटीन्स शामिल हैं मसल्स कन्टेक्टाइल आर्गेंस होते हैं क्योंकि इनमें ये एबिलिटी मौजूद है कि ये कंट्रैक्ट और रिलैक्स होते हैं जितने भी मसल्स हैं बॉडी में ये तमाम मसल्स अपनी एक्टिविटीज़ कंट्रैक्ट होने पे परफॉर्म करती हैं अगर फॉर एग्जांपल हम अपने आर्म्स की फ्लैक्शन कास्ट करते हैं या एक्सटेंशन करते हैं तो फ्लैक्शन और एक्सटेंशन में मसल्स की कंट्रैक्शन इन्वॉल्व है जब बाइसेप मसल्स कंट्रैक्ट होते हैं तो आर्म्स की फ्लेक्शन काज होती है और जब ट्राइसेप्स मसल्स कंट्रैक्ट होते हैं तो आर्म्स की एक्सटेंशन काज होती है तो मसल्स कंट्रैक्ट होने पे अपने एक्शंस को परफॉर्म करते हैं इनको हम कंट्रेक्टाइल ऑर्गेंस कहते हैं मसल्स की जो कंपोनेंट्स हैं इनमें से मायोफाइबर्स मायोफाइबर्स ये मसल सेल्स हैं मायोफाइबर्स के अलावा इसमें कुछ प्रोटेक्टिव लेयर्स होती हैं जिस तरह एपी इंडोमाइजियम और पीरीमाइजियम ये प्रोटेक्टिव लेयर्स ये नेचर में कनेक्टिव टिश्यूज़ होती हैं मसल्स को एनर्जी की जो ज़रूरत है उस को पूरा करने के लिए मसल्स में एक प्रोसेस होता है जिसको हम सेलुलर रिस्पायरेशन कहते हैं सेलुलर रिस्पायरेशन में जो ऑक्सीजन की नीड है ये ऑक्सीजन ब्लड वेसल्स ब्लड के थ्रू प्रोवाइड करते हैं इसके अलावा मसल्स में न्यूरॉन्स होते हैं ये न्यूरॉन्स मसल्स को कंट्रैक्ट होने के लिए सिग्नल्स देते हैं तो इनको हम कंटेक्टाइल ऑर्गेंस कहते हैं मसल्स की जो मेन फंक्शंस हैं वो है बॉडी स्ट्रक्चर जिस तरह फॉर एग्जांपल हमारी बॉडी के इनसाइड जो हार्ट है ये कार्डिक मसल्स से बना है बॉडी में इनसाइड जो ब्लड वेसल्स हैं जो लिम्फेटिक वेसल्स हैं जिनको हम कहते हैं इसके अलावा जो रिस्पेरेटरी सिस्टम uh, के जो uh, त, मतलब डक्ट्स हैं जो ट्यूबुलर पार्ट्स हैं जो कि ईयर पेसेज वेस हैं जिस तरह uh, लेरिंग्स के बाद ट्रीकिया जो है उसमें भी स्मूथ मसल्स होती हैं ब्रोंकाई ब्रोंकियोल्स, उसमें भी स्मूथ मसल्स होती हैं ठीक है थीके? इसी तरह जो डाइजेस्टिव सिस्टम है तो फेरिंग्स है एसोफेगस है स्टमक है स्टमक के बाद इंटेस्टाइन है लार्ज इंटेस्टाइन स्माल इंटेस्टाइन ये स्मूथ मसल्स से बने हैं तो मसल्स का एक रोल ये है कि हमारे बॉडी स्ट्रक्चर्स बनाते हैं इसके अलावा वो मसल्स जो कि बोन्स के साथ अटैच होते हैं उनको हम स्केलेटल मसल्स कहते हैं और स्केलेटल मसल्स का रोल है कि जब ये इंट्रैक्ट होते हैं तो ये बोन्स की मूवमेंट को अलाउ करते हैं मसल्स में माइटोकंड की नंबर जो है वो बनस्बत बाकी जो सेल्स से हैं उसकी ज़्यादा होती है और जब भी मसल्स कंट्रैक्ट होते हैं तो ये ए को कंज्यूम करते हैं इसी ए टी में जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है ये एनर्जी 30 परसेंट मसल्स की कंट्रैक्शन में इस्तेमाल होती है और जो रिमेनिंग 70 परसेंट है वो बॉडी की टम्परेचर को रेगुलेट करने में इस्तेमाल होती है मतलब जो हमारी बेसल बॉडी टेम्परेचर है अबाउट थर्टी डिग्री सेल्सियस तो इसमें मसल का भी रोल है कार्डिक मसल्स जो कि हमारे हार्ट का हिस्सा है ये कंट्रैक्ट होने पे ब्लड को पंप करते हैं इसके अलावा जो चेस्ट कैविटी है तो चेस्ट कैविटी की जो लाइनिंग है एक तो यह है कि उसमें से रिब्स होते हैं और रिब्स के अलावा चेस्ट कैविटी की जो लाइनिंग है इसमें इंटरकोस्टल मसल्स होते हैं जो कि स्केलेटल मसल्स हैं तो इस तरह ये हमारे इंटरनल बॉडी पार्ट्स की प्रोटेक्शन भी करती है मसल्स की जो तीन मेन स्ट्रक्चर्स हैं उनमें से स्केलेटल मसल्स ये वो मसल्स होते हैं जो कि बोन्स के साथ अटैच होते हैं कार्डियक मसल्स ये वो मसल्स होते हैं जो कि हमारे हार्ट का हिस्सा है और स्मूथ मसल्स ये से, ये मसल्स हमारे इंटरनल जो ट्यूबुलर पार्ट्स होते हैं जिस तरह डाइजेस्टिव सिस्टम है रेस्पिरेटरी सिस्टम है सर्कुलेटरी सिस्टम है सर्कुलेटरी में फिर कार्डियोवेस्कुलरी सिस्टम में ब्लड वेसल्स और लिम्फेटिक वेसल्स में लिम्फेटिक सिस्टम में लिम्फेटिक वेसल्स ये स्मूथ मसल्स से बने होते हैं कार्डिक मसल्स स्मूथ मसल्स और की जो मेन प्रॉपर्टीज़ हैं तो सबसे पहले ये तीनों मसल्स जो हैं ये शेप के बेसिस पे एक दूसरे से डिफरेंट होते हैं स्केलेटल मसल्स ये इलॉगेटेड फाइबर्स होते हैं इसके अलावा ये मसल्स बोन के साथ अटैच होते हैं ये मल्टी होते हैं क्योंकि इसमें से एक फाइबर में मोर देन वन न्यूक्लियाई प्रेजेंट होता है इस तरह मल्टी सेल्स को हम सेंसाइशियल सेल्स भी कहते हैं स्केल मसल्स की एक और प्रॉपर्टी ये है कि इसमें न्यूक्लियस पेरेफ्रल होते हैं मीन्स के न्यूक्लियस उस फाइबर के एक साइड पर लोकेटेड होता है ये जो एलोंगेट फ़ाइबर्स होते हैं स्केलेटर मसल फाइबर्स ये अनब्रांच्ड होते हैं इनमें से किसी भी मसल फाइबर से कोई और ब्रांच एराइज नहीं होता जब हम इसकी माइक्रोस्कोपिक स्टडी करते हैं तो इसमें हमें लाइट और डार्क बेंड्स नज़र आते हैं और इस तरह मसल्स को हम स्ट्रेटेड मसल्स कहते हैं ठीक है नेक्स्ट जो मसल्स बोन्स के साथ अटीच होते हैं इन मसल्स को हम स्केटर मसल्स कहते हैं तो स्केल्टर मसल्स की दो अटैचमेंट पॉइंट्स होंगी एक इसकी जो अटैचमेंट पॉइंट है जिसको हम टेंडन कहते हैं टेंडन एक ऐसे बोन के साथ अटैच होता है जो कि स्टेशनरी बोन है इस तरह टेंडेंस को हम ओरिजिन कहते हैं सेकेंड इनका जो टेंडन होता है वो एक ऐसे अटैच होता है जो कि मोवल बोन होता है इस तरह टेंडनस को हम इन्जरशंस कहते हैं जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी uh, है मतलब इन uh, मसल्स की है स्केलेटल मसल्स की वो है दे आर वॉलेंट्री इन एक्शन स्केलेटल मसल्स वॉलेंट्री होते हैं इनकी कंट्रैक्शन में हमारी मर्जी शामिल होती है सेकेंड जो टाइप है मसल्स की कार्डिक मसल्स कार्डिक मसल्स ये हमारे हार्ट को बनाती हैं ये हमारे हार्ट की एक मेन कंपोनेंट है दे आर मोनो ये मोनो होते हैं और इनका न्यूक्लियस सेंटर में लोकेट होता है इसके अलावा ये जो आ, फाइबर्स होते हैं कार्डिक मसल्स के जो फाइबर्स हैं दे आर ब्रांच्ड ये ब्रांच्ड होते हैं इसमें से एक फाइबर से वैरायटी ऑफ ब्रांचेस एराइज होती हैं और इसके अलावा हर एक सेल हर एक सेल जो है उस हर एक सेल में एक ही न्यूक्लियस होगा इसमें आपको स्ट्रेस नज़र आएंगी जब इसके हम माइक्रोस्कोपिक स्टडी करते हैं इसको हम स्ट्राइटेड मसल्स कहते हैं इन मसल्स की जो कंट्रेक्शन है वो इन्वॉलेंट्री है मीन्स के हार्ट की कंट्रेक्शन ये हमारे मर्जी के मुताबिक होता इसके अलावा जो थर्ड मसें स्मूथ मसल्स जिनकी मोड ऑफ़ एक्शन सबसे स्लो है एक और बात जहन में रखें जो स्केलेटर मसल्स होती हैं इनकी मोड ऑफ एक्शन फास्ट है इनकी कंट्रैक्शन की जो रेट है वो फास्ट होती है जो कार्डिक मसल्स होती हैं इनकी कंट्रेक्शन की रेट जो है वो मॉडरेट होती है और जो स्मूथ मसल्स हैं इनकी जो कंट्रैक्शन है वो स्लोएस्ट है दे आर मोनो एंड दे आर नॉन स्ट्राइट मसल्स इसके अलावा इनकी मोड ऑफ एक्शन वो भी इन्वॉल्ट्री है ये हमारे डाइजस्टिव सिस्टम में हमारे रिस्पिरेटरी सिस्टम में इसके अलावा सर्कुलेटरी सिस्टम में ये मसल्स मौजूद होते हैं नेक्स्ट वीडियो में हम इन मसल्स के स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ेंगे अल्लाह हाफिज़